हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवानी स्टडी हब। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि जो भी स्टूडेंट्स गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फाइनली उनका एंट्रेंस हो गया, एडमिशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, फ़ीस पेमेंट की भी डेट आ गई है। अब आपका जो कोर्स वर्क है, मतलब जो क्लासेस हैं, वो कब से चलेंगी, ठीक है। जो पीएचडी में जो जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, प्लस आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया है, आप किसके अंडर पीएचडी कर रहे हैं, उसके बाद आपका जो कोर्स वर्क है वो कब से स्टार्ट है, वो सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब कब से आपको रेगुलर जो है आपको यहाँ पर क्लासेस करनी है। क्लासेस इन द सेंस हम नहीं कहेंगे, उसको कोर्स वर्क कहेंगे, कि जो ये कोर्स वर्क होता है 6-6 महीने का होता है, वो कब से स्टार्ट है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएचडी कोर्स वर्क में आपको क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, हर एक अपडेट आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो यूजी कोर्स की हो, चाहे पीजी कोर्स की हो, चाहे पीएचडी की कोर्स की हो, सभी कोर्सेज की यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर डीडीयू के द्वारा ऑफिशियली नोटिस जारी कर दी गई है, यहाँ पे इन कंपाइलेंस विद द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर द फॉलोइंग इज प्रपोज शेड्यूल फॉर द पीएचडी स्टूडेंट्स RET 23 इज टू बी एडमिटेड। यहाँ पर वीसी ने फाइनली तौर पे एक नोटिस जारी कर दी गई है कि जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं 2023 में, यहाँ पे पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहला है कि वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो 4 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगी सभी कोर्सेज के, ठीक है। 4 से लेकर 7 अक्टूबर तक जितने भी आपके 38 सब्जेक्ट हैं, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये 4 दिन में हो जाना है हर एक डिपार्टमेंट में। दूसरा कह रहा है कि फ़ीस एडमिशन जो है वो आपको 10 अक्टूबर तक, मतलब 7 अक्टूबर तक आपका फ़ीस पेमेंट होगा। 3 डेट आपको मिलेगा, 8, 9, 10, मतलब 10 अक्टूबर तक फाइनली आपको फ़ीस पेमेंट कर देना है। क्या कितनी फ़ीस रहने वाली, ये भी ऑलरेडी मैंने अलग से एक वीडियो में बता दिया, हर एक डाउट्स आपके रिगार्डिंग मैंने कम्प्लीट कर दी है। तीसरा है अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र 14 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर, मतलब किसके अंडर आपको पीएचडी करना है, आपकी गाइड कौन है, ये जो है आपका 14 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर के बीच में क्या है, ये अलॉटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा, पीएचडी कोर्स वर्क जो है, मतलब जो आपकी क्लासेस हैं, वो 21 अक्टूबर से शुरू होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको किसके अंडर काम करना है, पीएचडी कोर्स वर्क में क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सब चीज़ें हम आपको बता देंगे। बस करना क्या है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलिएगा। तो 21 अक्टूबर से आपकी क्या है, पीएचडी कोर्स वर्क स्टार्ट है सभी कोर्सेज के। सुपरवाइज़र वगैरह किसके अंडर आपको काम करना है, वो 14 से लेके 19 अक्टूबर के बीच में वो डिसाइड हो जाएंगे। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है आपका, और जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ है, नेक्स्ट जो पीएचडी आरईटी की परीक्षा कब होगी उसकी अपडेट जल्दी आपको मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहिएगा, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। हाँ, एक बात और है, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर अपना कमेंट दें। ओके, थैंक यू।